जस्ट बिकॉज मुसलमान कम्युनिटी में ये कहा जाता है कि लड़कियों को पर्दा करना चाहिए, तो मुसलमान कम्युनिटी में ये क्यों नहीं कहा जाता कि लड़कों को आंखों में पर्दा कर देना चाहिए और लड़कियों को खुला में घूमना चाहिए? व्हाई नॉट? सो आई एम सो सॉरी टू सी, आपने पर्दा किया है कॉटन से? आई एम कॉटन से पर्दा किया, आई एम मुस्लिम माई सेल्फ, एंड मेरी सिर्फ एक ही कंप्लेन है टुवर्ड्स दोस पीपल जो खड़े हो जाते हैं बुरखा बुरखा बुरखा। अरे शर्म करो तुम लोग पहले अपनी आंखों पे कि तुम वो चीज क्यों देख रहे हो। तुम्हें पर्दा करना चाहिए, हम क्यों पर्दा करें? वुमेन, हम लोगों की इज्जत सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमने ही तुम्हें पैदा किया है, वरना तुम आते कहाँ से साले? और अब मैं सारे बुरखे आदमियों को पहनाऊंगी मैं। एग्जैक्टली, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दो नीम बरहना खवातीन सना खान और राखी सावंत इस्लाम के एक अहम हुक्म पर्दे का मजाक बनाते हुए देखी जा सकती हैं। सना खान का कहना है कि मर्दों को पर्दा करना चाहिए, उनको अपनी नजर का पर्दा करना चाहिए, आंख का पर्दा करना चाहिए। तो सना खान यूं तो अपने को मुस्लिम बताती हैं, लेकिन गालिबन उन्होंने कुरान हकीम कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि अगर पढ़ा होता तो उन्हें बेहतर पता होता कि अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान हकीम में पहले मर्द को हिजाब का पर्दे का हुक्म दिया है, उसके बाद औरतों को। फरमान बारी तआला है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, कि मोमिन मर्दों से कह दो वो अपनी निगाहें बचा कर रखें, झुका कर रखें। इस मर्द को हुक्म देने के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला औरतों के लिए फरमाते हैं सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में, कुल लिल मुमिनाति यगदुदना मिन अबसारिहिन, और मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहों को झुकाकर बचा कर रखें। तो सना खान को मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मर्दों को भी हुक्म दिया है पर्दे का, उनके कहने से नहीं होगा मर्दों का पर्दा। रही बात यह है कि वो कहती हैं कि मर्द मुस्लिम मर्द औरतों को पर्दा कराते हैं, तो उनको अच्छी तरह मैं बता देना चाहती हूँ कि हम मुस्लिम खवातीन अपना हिजाब अपना नकाब मुस्लिम मर्दों के कहने पर नहीं करती, बल्कि ये हमारे और आपके खालिक क्रिएटर अल्लाह सुबहानहु व तआला का हुक्म है, जो कि मस्कूर है सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, कि जब भी हम बाहर जाएं तो अपने जिलबाब अपनी ओढ़निया ले लिया करें। तो ये अल्लाह के हुक्म पर हम खवातीन पर्दा करती हैं, ना कि मर्दों के कहने पर। और अगर वो अपने आप को मुस्लिमा कहती हैं तो उनके लिए भी बराबर का फर्ज है कि वो भी पर्दे में रहें, जिस तरह वो देखी जा सकती हैं इस अंदाज में ना रहें अगर वो मुस्लिमा कहती हैं अपने आप को। तो बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती कि सिर्फ हिजाब का हुक्म मुस्लिम कम्युनिटी में ही है, बल्कि हिजाब का हुक्म हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी और अदर रिलीजन में भी है। ये अलग बात है कि हम मुस्लिम्स माशाल्लाह बाय द ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला वी आर मोर प्रैक्टिसिंग देन देम। हम मुस्लिमात बेहतर प्रैक्टिस करते हैं अपने रब के हुक्म पर, अदर रिलीजन के लोग नहीं करते। तो व्हाट टू डू? रही बात उनकी ये कहने की कि हम औरतों को ज्यादा इज्जत मिलना चाहिए क्योंकि हम मर्दों को पैदा करने वालियां हैं, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे बिलोवर्ड प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जबकि वो माँ है मर्दों से तीन गुना ऊपर ऊंचा दर्जा दिया है, तीन गुना बेहतर ऊंचा इज्जत और एहतराम के लिए औरत मर्द से तीन गुना ऊपर है। सुभान अल्लाह, इस्लाम ने जो पर्दे का हुक्म देकर और औरत के तहफ्फुज के लिए जो हुकूक इस्लाम ने औरतों को दे दिया, वो किसी कम्युनिटी ने किसी रिलीजन ने और किसी सोसाइटी ने ना कभी दिया था ना अब दिया है, और इंशाअल्लाह ता कयामे कियामत भी नहीं दे सकता। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उन खवातीन से जो सना खान है और उनके जैसी हैं कि बगैर इल्म के इस्लाम पे कोई कमेंट ना करें, पहले इल्म हासिल करें तब बात करें, उन्हें कुरान और सुन्नत का इल्म हो तभी इस्लाम के मुतालिक कोई बात करें, वरना मुझसे इस्लाम के मुतालिक कोई बात ना करें।
इससे हम मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, बल्कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम इंडिया में रहकर आर्टिकल 25 के अंडर में अपने मजहब अपने दीन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रीच भी कर सकते हैं। तो चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उसे हक नहीं बनता किसी भी मजहब के प्रैक्टिसिंग लोगों का मजाक बनाने का। और अगर सना खान, राखी सावंत और इन जैसे लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आ गए तो वो मोमिन की ईमानी ताकत को नहीं जानते, हम लीगल एक्शन लेने में भी देर नहीं करेंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। वाखर दावा।